ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश के दुश्मनों ने एक बार फिर से श्रीनगर की जमीन को खून से लाल कर दिया। आतंकियों ने बेमिना में एक सीआरपीएफ कैंप पर हमला कर 5 जवानों को मार डाला। वहीं सेना ने भी जवाबी कार्रवाई कर घाटी में दहशत फैलाने के मकसद से आए इन दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर की वादी एक बार फिर से गोलियों की आवाजों से दहल उठी। श्रीनगर के बिमना में आतंकियों ने अपने नापाक इरादों से एक बार फिर कश्मीर घाटी की शांति को भंग करने की कोशिश की। इस बार उनके निशाने पर रहा एक सीआरपीएफ कैंप, जिसका निशाना बनाकर आतंकियों ने फिदायीन हमला किया। अचानक हुए इस हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए और 7 घायल हो गए। जबकि सेना के जवानों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। हमले के फौरन बाद सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी। आतंकी सीआरपीएफ कैंप पर हमला करने के बाद स्कूल परिसर में घुस गए, लेकिन अच्छी बात यह रही कि इस स्कूल में आज छुट्टी थी, जिसकी वजह से ज्यादा नुकसान होने से बच गया। हमले के बाद जम्मू के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में इस आतंकी हमले की जानकारी दी। एक सीआरपीएफ की जो अटैचमेंट थी उन पर एक रिलेटेड हमला हुआ। रिलेटेड हमले के दौरान 5 सीआरपीएफ के जवान शहादत पा गए और 4 से 5 सीआरपीएफ के जवान जख्मी हुए। 3 सिविलियन भी इस हमले में जख्मी हुए हैं, 2 गोलियों से, 1 स्प्लिंटर इंजरी से। तीनों सिविलियंस को एसएचएस अस्पताल पहुंचाया गया था। मेरी जानकारी है कि वो तीनों खतरे से बाहर आए। ये फिदायीन हमला था और इस हमले में 2 मिलिट्रेंट, क्योंकि उन्होंने ये हमला किया, 2 मिलिट्रेंटों को मारा। सीआरपीएफ कैंप पर हुए इस आतंकी हमले का शक लश्करे तैबा पर जताया जा रहा है। इस हमले पर सीआरपीएफ का कहना है कि इस इलाके की शांति से परेशान होकर आतंकियों ने इस इलाके पर हमला किया था, ताकि इलाके की शांति को भंग किया जा सके। टीम थे फिदायीन, कुछ घुस गए जिन्होंने फायर किया और कुछ ग्रेनेड फायर किए, सीआरपीएफ पे अटैक किया, जिसमें हमारे 5 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। अभी तक तो सीआरपीएफ के जवानों ने बहुत ही जवानी से उस पर उनका मुकाबला किया और दोनों फिदायीन को मार दिया। अभी क्या आपको कभी पता चला किस तंजीम से रिलेटेड थे ये दोनों? अभी वो तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि किस तंजीम से है। अभी तो अभी आप देख रहे हैं कि दोनों सीआरपीएफ के 5 हमारे जवान शहीद हुए हैं इसमें, और दोनों फिदायीन जो है वो न्यूट्रलाइज किए गए हैं, तो बाकी डिटेल्स जो है आपको बता देंगे। अभी क्या सर्च चल रही है? सर सर्च आगे चल रही है, बाकी देखा जा रहा है। सर क्या स्कूल बंद था? स्कूल तो बंद था आज सर। मेन बच्चे सामने क्रिकेट खेल रहे थे स्कूल। सर मेन टारगेट क्या सीआरपीएफ क्या था? जी हाँ, टारगेट यहाँ का पीस टारगेट था, यहाँ का अर्बन टारगेट था। इंजर्ड कितने? इंजर्ड की काफी खबर आ रही है। इंजर्ड है हमारे सीआरपीएफ के 6-7 जवान इंजर्ड हैं, जो भी हॉस्पिटल शिफ्ट हो गए हैं। बच्चे तो नहीं इंजर्ड है सर? नहीं, बच्चे अभी तक कोई इंजर्ड नहीं। बेमिना इलाके में हमला करने वाले दोनों आतंकी क्रिकेट किट रखने वाले बैग में हथियार रखकर लाए थे, और इसके साथ ही आतंकियों ने खिलाड़ियों के कपड़े पहने हुए थे। शायद इसी वजह से किसी को भी इन पर शक नहीं हुआ। वहीं बेमिना में हुए इस आतंकी हमले के बाद गृह मंत्रालय ने इस हमले की पूरी रिपोर्ट मांगी है। आतंकियों की इस हरकत को संसद हमले के आरोपी अफजल गुरु की फांसी का बदला माना जा रहा है। वहीं आईबी ने फिर से अलर्ट जारी किया है। आईबी के अनुसार अभी और हमले कर सकते हैं आतंकी। कुछ दिन पहले आईबी ने आतंकियों की बातचीत सुनी थी, जिसके बाद इस तरह के हमले की सूचना भी दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी सुरक्षा में चूक हुई और आतंकियों ने सीआरपीएफ कैंप पर हमला कर हमारे 5 जवानों की हत्या कर दी।
जम्मू कश्मीर विधानसभा में मंगलवार को ही अफजल गुरु के मामले पर काफी हंगामा हुआ था। पीडीपी के विधायक अफजल का शव जम्मू कश्मीर लाए जाने की मांग कर रहे थे। अफजल को पिछले महीने तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी और वहीं दफना दिया गया था। उसे 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले में शामिल होने के दोष में सजाए मौत मिली थी। आतंकी संगठनों ने अफजल गुरु को फांसी दिए जाने पर बदला लेने की धमकी दी थी। अफजल की फांसी के एक महीने बाद ही अंजाम दिए गए इस हमले को इस धमकी से जोड़कर देखा जा रहा है। भिमना इलाके में जिस स्कूल के पास यह हमला किया गया था, दरअसल अफजल गुरु के शव की मांग को लेकर हो रहे विरोध के कारण स्कूल बंद थे, जिसकी वजह से स्कूल में छात्र नहीं थे, जिसके कारण ज्यादा जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस हमले के बाद आईबी ने साफ कर दिया है कि अभी और आतंकी हमले हो सकते हैं। अफजल गुरु के फांसी के बाद ही आतंकी संगठन बदला लेने की बात कहते आ रहे हैं और इस हमले ने हमारे सुरक्षा तंत्र की नाकामी को भी उजागर कर दिया है। आकाश सिंह, MH1 न्यूज़।